वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में माहौल गर्म है, उसी कड़ी में गोरखपुर में पारा काफ़ी चढ़ चुका है। हर दल के लोग अपनी तरह से जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर में नामांकन भी शुरू हो गया, अंतिम चरण में यहां मतदान 1 जून को होना है, उसके लिए सारे दल अपने तई पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, कुछ आधी आबादी भी हमारे साथ है, उनके मन में क्या है, वो लोग क्या सोच रही हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रानी मिश्रा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और गोरखपुर में तो पूज्य महाराज जी का कर्म स्थली है, तो अच्छा ही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या आपको लगता है महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, या कोई मुद्दा रहेगा इस चुनाव में महिलाओं का? जी कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विकास का मुद्दा है और महिलाओं का तो विकास ही हुआ है, हर क्षेत्र में कार्य हुआ है और महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। जो सपा ने महिला प्रत्याशी दिया है जी, उसका लाभ उनको मिलेगा, महिलाएं? देखिए ये जनता है और महिला प्रत्याशी सपा ने दिया है, पहली बार ही उनको यहाँ का जनता ने उनको सौगात दे के भेज दिया है, तो इस बार जो हमारे सांसद जी हैं रवि किशन जी, वो एक नेता और अभिनेता दोनों बखूबी निभाए, तो ये जनता की अदालत है, मोदी जी को नहीं छोड़ेगा, ये मोदी परिवार है। जैसे विपक्ष कहता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, जो कर्नाटक कांड हुआ, आपके एमपी साहब के ऊपर भी आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे? जी सपा कहता है कि कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कथनी करता है वही करनी करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देख लीजिए, आज तक जो भी वो बोले हैं वो कार्यों को करके दिखाए हैं, पूरे देश में चौमुखी विकास हो रहा है। कर्नाटक के सीडी कांड पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए कर्नाटक के सीडी कांड पे, देखिए ये समाज है, सरकार किसी की भी हो, कांड होना न होना तो जाहिर सी बात है, रखना पड़ेगा जी, नियंत्रण रखना पड़ेगा और रखी है। विपक्षी का तो बोलना काम है तो बोलेगा ही। आपका कहना विपक्षी का बोलना काम है, हुआ था। क्या नाम है आपका? उषा चौहान। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव को यही कहना चाहेंगे, चुनाव बहुत बढ़िया है, हम लोग घूम रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा का पलड़ा भारी है, अब भाजपा ही आएगी। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? कोई महंगाई नहीं है, आप विकास देख लीजिए, जहां हम लोग खड़े हैं यहां के देख लीजिए, बच्चे घूम रहे हैं, फिर पिछले सरकार में कुछ भी नहीं था, महिलाओं को देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं, हम लोग 12 बजे रात में जाए कोई फिक्र नहीं है, हमारी सरकार यही दी है, बस और क्या चाहिए। आजमगढ़ की एक युवती आई थी, उसके साथ जो घटना हुई आप जानती हैं? ठीक है, तीन चार दिन पहले जो भी हुआ है वो किस सरकार में नहीं होती है, ये सब विरोधियों का चाल है, कुछ है नहीं, ठीक है, जो पहले की सरकार में होता था वही सरकार में नहीं, 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 सरकार में नहीं, विरोधियों का चाल है, और अपना विरोधियों का चाल है। क्या नाम है? ये गलत है, मैं मीरा दुबे हूँ। हाँ। और जो विरोधी, हाँ, जब जीतेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगे ही, किसके राज में गुंडई और होती नहीं थी, जब से मेरे पूज्य महाराज जी यहाँ संभाले हुए यूपी में, तब से हम लोग ना कोई गुंडई देख रहे हैं, ना कोई औरतों का छेड़छाड़ देख रहे हैं, हम लोग बहुत स्वतंत्र से यहाँ रहते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को भी हम लोग स्टेशन से घर जाते हैं, कोई हम लोगों को डर नहीं होता है। आपका कहना है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? महिलाओं का तो सर, मेरा नाम सुमन पांडे है। हाँ। महिलाओं की सुरक्षा तो हर तरफ से बढ़ी हुई है, हम लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरह हम लोग रात में जाते हैं, कोई डर नहीं लगता, आज भी देखिए पहले कितना चुनौती होता था, लेकिन आज कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन विरोधियों का काम है कहना, तो वो लोग एक एक अफवाह उड़ाएंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम। चंदा सिन्हा, क्या करती हैं आप, गिरिडीह हैं कि? नहीं नहीं मैं, अच्छा, सामाजिक। तो महंगाई कहीं आपको दिख रही है? महंगाई तो नहीं दिख रही है मुझे। और रोजगार के मुद्दे पे क्या? रोजगार भी बहुत हमारी महिलाओं को मिल रहा है, स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, अपना रोजगार चला रही हैं, अपने पैर पे खड़ी हो रही हैं, पहले था कि लोग अपने हस्बैंड से पैसा मांगते थे, अब हमारी बहनें खुद अपने आप में मजबूत हो गई हैं, अपना काम खुद कर रही हैं, दो पैसा कमा रही हैं समूह के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी बहनें आजकल बहुत बेटियां पढ़ ही रही हैं, बेटी बहन पढ़ ही रही हैं, अपना आगे बढ़ रही हैं, और अपने जो लोग कमा रही हैं अपने परिवार का भी देख रेख हर चीज़ कर ही रही हैं।
अपने पैर पर खड़ी हो गई हैं, काम मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का बहुत मतलब माहौल बहुत गर्म चल रहा है और महिलाएं पुरुष जितने भी हैं सब लोग बीजेपी को लेकर बहुत खुश है कि बीजेपी ही हमारी सरकार बनेगी। और सपा और कांग्रेस क्या है, वो तो मुद्दे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी पर अटैक कर सकते हैं, कौन जानता है। अभी हम चले हमारे पर अटैक कर, क्या करेंगे हम? वो जो कांड हुआ है वो करवाया गया है, जानबूझ करवाया गया है, ये बीजेपी के पक्ष के लिए, ठीक है, बीजेपी को बदनाम के लिए कुछ भी करा जा सकता है। बीजेपी देखिए, हाँ क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ठान लिए हैं कि योगी मोदी को ही लाना है और 400 पार करके दिखाना है, मतलब जो नारा है उसको पार पार करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर क्या माहौल है? तो ये चुनाव तो ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं, जनता ने वोट बना लिया है और फिर से जो है हम लोग मोदी सरकार को ला रहे हैं और हमें लगता है ये 400 पार फिर से होगा, क्योंकि ये जो है निष्पक्ष चुनाव होने जब हो रहा है, जहां देखिए अभी तक बात चल रही थी, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि विकास नहीं हुआ है, जहाँ हम खड़े हैं एक समय ये क्षेत्र था कि न महिलाएं आ सकती थी न बच्चे। लेकिन सपा के लोग कहते हैं कि सपा के समय में ही तमाम काम हो गए थे, पास हो गए थे, सरकार बदल गई थी। देखिए उनकी हालत तो वही है, खाली झूठ बोलना है, वो झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वो सपा, ये बताइए सपा कितने साल पहले वो अपनी सरकार, उनकी सरकार कब से थी आप खुद बताइए, वो कितनी बार सरकार थी, तो उस समय तो नहीं बना, आज बन के तैयार हो गया है तो विपक्ष अपना श्रेय ले रहा है। उनकी हालत वही थी कि अच्छा है प्रदेश में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी इस सरकार में, इस सरकार में किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सीधे जेल की सलाखों में दिखाई दे रहा है। नौजवान काफी परेशान है, नौजवान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। देखिये शिक्षा नीति की हम बात करेंगे, जो पढ़ना जो शिक्षित है वो आराम से जो है रोजगार कर रहा है, जो करना ही नहीं चाहता वो तो परेशान रहेगा ही। मान लीजिए हम नहीं, तमाम व्यवसाय देखिए, आज अभी देखिए कुछ लोग खाली जो है विपक्ष वाले केवल और केवल जो है दाग लगाने का काम करते हैं, आरोप लगाने का काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रोजगार बहुत सारे हैं, तमाम ऐप है उस पर जाके देखे, तमाम ऐसे रोजगार, लेकिन करना ही नहीं चाहे तो आरोप लगाने से नहीं काम चलेगा। आपका कहना की अवसर बहुत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार पांडे है। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव बढ़िया चल रहा है, जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं मुस्लिम पाकिस्तान और झूठ बोल करके ही भाजपा सत्ता में आती है। नहीं, कभी झूठ बोल के नहीं आती है भाजपा, जब भी आई है अपने विकास के मुद्दे को लेके आई है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम कभी भाजपा ने नहीं किया है। क्या नाम है आपका? अखिलाना नगर नाम है। माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है और लगभग 20-20 का मैच जैसे होता है, एक तरफा मैच हो जाए उस तरह से चल रहा है। खोजने पर जो है ये एनडी गठबंधन के लोग नहीं मिल रहे हैं कि मौके पर बयान दें और हताश हो चुके हैं। जो मतदान प्रतिशत घटा है उसे कहा जा रहा है कि मतलब भाजपा को नुकसान होगा, लोग निकले नहीं, लोग उब चुके हैं सरकार से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतदान प्रतिशत का मैं अपना अनुभव बताता हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में जो वोटर लिस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लगभग 30 साल पे उसमें संशोधन होता है। अभी देखिए हैदराबाद में 5,42,000 मतदान जो मतदाता थे वो भूतहा मतदाता थे, घोष्ट मतदाता थे, उनका उस वोटर लिस्ट में फिजिकली कोई प्रेजेंस नहीं था वो, और वो साफ हो गए। तो इसी तरह पूरे देश के वोटर लिस्ट पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, जब जब ये शासन में आए वोटर लिस्ट में भयंकर मिलावट किए हुए हैं। लगभग आप कहीं देखिए वोट पड़ जाता है फिर भी बहुत लोग नहीं डाले रहता, लिस्ट खाली रहती है, वो लोग कहाँ गए भाई? आपका कहना है कि मिलावट की वजह से वोट परसेंटेज कम हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है? पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सम्मानित मीडिया को, आज तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह मीडिया के ऊपर ही लोग लगा रहे हैं, 55 साल कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया नहीं बिकी थी, मीडिया भारत में थी और हमेशा आज भारतीय जनता पार्टी की 17 साल से सरकार है तो मीडिया बिकी हुई दिखाई दे रही है इनको। आज गोरखपुर का चौमुखी विकास, और देखिए रोजगार की बात आपने मेरे बड़े भाई से पूछा है, आज इसी नौका बिहार पे 10,000 से 15,000 के बीच में दुकानदार जो बाहर से रायबरेली उन्ना उरई जालौन से आके दुकान लगा रहे हैं, लेकिन जब काम करना नहीं चाहेगा कोई तो काम कोई जबरदस्ती करवा नहीं सकता है, ये निर्थक बातें समाजवादी और कांग्रेसियों की चाल है। और आज देखिए, और देखिए विकास के मुद्दे पे ही भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, आज भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है,
ये जो अभी आपने हमारी सम्मानित बहन से पूछा है वो कौन देवगौड़ा के लड़के के बारे में, ये बताइए आप चुनाव के समय ही बात को जानते थे, जब भगा दिए आप विदेश उसके पहले सारा कार्यक्रम करवा दिए, उसके बाद आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो है ये सारी कदमी और करनी कांग्रेस के शासन में हुआ है। और ये और देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारत में, और सम्मानित जनता गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ ही अपना भविष्य देख रही है। देखिए आपका कहना है कि भाजपा का पूरा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और लोग विपक्षी ये बोल रही है कि मीडिया गोदी हो गई है, प्रशासन यहाँ की गोदी हो गई है, ये बताइए सब कुछ जब गोदी हो गई है तो क्या चीज़ सही है उनकी नज़र में? अगर सब कुछ गोदी क्या चीज़ सही है, देखिए विकास देखिए यहाँ पे जो भीड़ लग रही है। युवाओं का मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा ये कि युवा यही बोल रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बताइए कि आपके अगर हुनर है तो रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार पिछले सरकार में क्या गवर्नमेंट देती थी क्या? क्या ये लीजिए ये नौकरी मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले गवर्नमेंट में लोग इसलिए खुश रहते थे पिछली सरकार में क्योंकि धन का बल ज्यादा होता था और पढ़ाई कम होती थी। आपने सुना होगा कि कल्याण लोग पूछते लोग कहते हैं आज की डेट में भाई साहब आपने इंटर कब पास किया, अरे मैंने तब तो पास किया जब कल्याण सिंह की सरकार थी, क्योंकि कल्याण सिंह की सरकार में नकल नहीं होता था। और आज की डेट में लोग वही खोज रहे हैं, सोच रहे नकल पा जाए, नकल मार लें और नौकरी कहीं पा जाए, नौकरी मुझे मिल जाए, लेकिन वो चीज़ असंभव है। आपका कहना कि योग्यता का अभाव है, कहना चाहेंगे आप? देखिए योग्यता का अभाव नहीं है, जो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं उनके अंदर कुछ भी उसे पंगू बैठ सकते हैं वो लोग। मोदी जी ने आज देश में स्टार्टअप योजना, मुद्रा लोन योजना चालू किया हुआ है, जो रोज शिक्षित लड़के अपना रोजगार करना चाहते हैं वो योजनाओं का लाभ लेके कार्य कर रहे हैं। और इस देश की जनता 2014 में जिस उम्मीद के साथ और जो 2019 में जिस विश्वास के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया था, उसी मोदी जी ने जैसा कहा जनता जो है हमारा परिवार हो गया है, उसी तरह देश की जनता ने भी मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। तो मोदी जी को पुनः एक बार 2024 में प्रचंड बहुमत से जिता के बैठाने का। क्या नाम है आपका? करमवीर सिंह। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, युवाओं का क्या मुद्दा है चुनाव में? युवाओं का तो राम राज्य चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह योग्यता है। और लोगों का कहना है कि पूरी तरह से माहौल भाजपा का है और सरकार ने हर वर्ग का विकास किया है, सबके लिए काम का अवसर पैदा किया है, जिनके पास योग्यता है वो काम पा रहे हैं और कानून व्यवस्था का राज है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मित्रा, TV9 गोरखपुर।